आप ईमानदारी से बताइए क्या वो एग्जाम पास कर पाएगा? तो क्या इन्होंने सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील नहीं कर दिया? उस वक्त हमारे एमपी एमएलए कहां थे? ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं सारे चिंताएं हम बाद में कर लेंगे, हमारा तो विकास का सिर्फ दो ही रास्ता था भाई। पहले 4000 साल पहले जब हमें गुलाम बनाया, हमारा सारी प्रॉपर्टी सबको छीन लिया और धर्म शास्त्रों में लिख दिया तुम अछूत हो, शूद्र हो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा केवल कर्तव्य है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। सेवा करने का मतलब पूरी जिंदगी सेवा ही सेवा, पढ़ने में भी बंदिश। अगर पढ़ोगे लिखोगे, मतलब तुमने अगर कोई शास्त्र का या कोई श्लोक भी सुन लिया तो कान में खोलता हुआ शीशा लगवा दिया और जुबान से अगर उच्चारण कर दिया किसी श्लोक का तो उसकी जीभ कटवा दी, इतना भय पैदा कर दिया। और स्कूल जो भी गुरुकुल होते थे उन पर बंदिश लगा दी कि अछूत के एमपी बंद। किसी ने अगर अपने आप कोई कला सीख भी ली उसका अंगूठा कटवा दिया। ये हमें काबिल नहीं बनने देंगे, पर हम तो बोन काबिल है, हम तो पैदाइशी काबिल है। हम तो हमारी काबिल है, तो आज बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की, हम तो बोन स्किल्ड है। भाई उत्पादन का काम कौन करता है? खेत में खेती तो फसल उगाने का काम कौन मजदूर करता है? मजदूर कौन है? बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम कौन करता है? सड़कें फ्लाईओवर को बनाने का काम कौन करता है? तुम तो पैदाइशी जानवर मर गया उसको उठाया उसकी खाल निकाली उसकी जैकेट बना दी उसके जूते बना दिए उसके बेल्ट बना दी उसके बैग बना दिए, तो पैदाइशी काबिल है। आपने तो जब देखा कि अब चमड़े में पैसा आने लगा